हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स मॉडल पेपर जिसका सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर चुका है और जैसे कि आपको बताया था कि अगर आप लोग इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर को आप लोग जरूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, यहाँ पे हम लोग सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। ये सारे जो है बिहार बोर्ड के बेस्ड न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। यहाँ पे आ चुका आपके सामने फर्स्ट प्रश्न करा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए होगा सूरदास, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि संध्या का विलोम है, संध्या का विलोम क्या होगा ध्यान देंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, संध्या का जो प्रातः जगह, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग, क्योंकि आदान का विपरीत आर्थिक है, आदान का विपरीत आर्थिक प्रदान रहेगा, सबको पता है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आंसू शब्द क्या है, आंसू शब्द क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंसू जो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास, ठीक है। आप लोगों में से काफी सारे कमेंट आएगा कि जल्दी जल्दी करें, जल्दी इसलिए क्योंकि टाइम का कमी है, ठीक है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी करना है। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, अगर आप लोग जल्दी करोगे तो वीडियो को स्लो कर लेंगे, ठीक है। गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसको ना सी होगा, क्या होगा आकार सही, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कराया कि गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है, 7 और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा अंतवासी, क्या हो जाएगा अंतवासी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग का 8 कराया कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीर रस, क्या होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 कराया कि अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, अनल शब्द का पर्यायवाची बताना आपको, 9 और क्वेश्चन का फाइनल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आग हो जाएगा, आग का अनल होता है ना, पता सभी को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा, क्यों का चिरंजीव। चलिए क्वेश्चन हम लोग को आगे देखते हैं, कह रहा है कि मैं क्या कहते हैं, मैं असहाय विवश बैठी रही, बैठी रही उठ गई छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है, ध्यान दें। 11 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुत्र वियोग, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, वाक्य के आवश्यक अंग है, वाक्य के आवश्यक अंग है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, क्या होगा ऑप्शन इस बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करके बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो जो भाव बनकर निकल जाता है, इस क्वेश्चन तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में यहां पे सी होगा, क्या होगा क्या होगा, बातचीत के जरिए, ऑप्शन सुनकर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कराए कि जो है शिवालय शब्द कौन समास है, शिवालय शब्द कौन समास है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पे सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष समास, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कराए कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहां पे सी होगा, तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सुनकर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, ध्यान देंगे 19 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निबंध के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है कौन सा सर्वनाम है, ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ना चाहिए पे निश्चयवाचक। चलिए 21 कह रहा है कि वह कौन है जो परार हो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग, क्या ऑप्शन नंबर यहां पे बी बिल्कुल होगा संबंधवाचक, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 कह रहा है क्या कह रहा है कि वंशधारा भोगी मानव और धर्माधर जो है मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये पंक्ति जो है किससे ली गई है, ध्यान देंगे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आना चाहिए, चंद्रधर शर्मा, सॉरी चंद्र
जगदीश चंद्र माथुर से ली गई, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम था, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन गुगलानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ओ सदा निग्रह शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, ध्यान देंगे 24 का क्या आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी गहरे और विशाल, क्या होगा गहरे और विशाल, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 25 करा अब तक वो सोया सो गया होगा वाक्य जो है किस प्रकार की वाक्य, 25 का आंसर पहचान आपको किया जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहां पे सी होगा संदेशवाचक, क्या होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग को टोटल 100 के 100 क्वेश्चन कवर करना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो बताया गया है, ठीक है, कि किस तरह क्वेश्चन आप लोग को जो है सेंटर में जो परीक्षा केंद्र में आने वाला है वहां से जो बताया गया क्वेश्चन पेपर तो नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन का जो है बता करके आउट लग समझिए किया गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से शेयर करना, सभी के साथ पहुंचाना, ठीक है। चित्र रेखा जो किस कवि की रचना है, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, तो 26 का आपका ऑप्शन यहां पे ये होगा जायसी, क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 27 कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो कैसे कवि के रूप में हुआ, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रयोगवादी। चलिए 28 कह रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे यहां पे क्या होगा 28 का ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका सी होना चाहिए तुच्छ होना, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 29 कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ करना 29 का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर पे बी होगा धाक जमाना, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 क्वेश्चन करेंगे ज्ञानपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित जो है पद स्थापित हुए, ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कारा अधीक्षक, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आपको क्या चाहिए वाक्य जो है किस तरह का वाक्य, ध्यान देंगे 31 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए। चलिए 32 कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य जो है किस तरह की है, 30 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोगों को क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर पे भी होगा इच्छावाचक, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किन का लेखन जो है विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच जो है अफ्रीका के बीच की दूरी दिखता है। देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या होगा, इस क्वेश्चन का आप लोग का अब भी आना चाहिए लोपेज, क्या होगा लोपेज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं कि अदरक शब्द है, अदरक शब्द क्या है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वेलिंग या फिर क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पुरलिंग शब्द है, क्या है पुरलिंग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुस्सा शब्द क्या है, तो गुस्सा शब्द पता होना चाहिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताना आपको 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन है बी जगह पुरलिंग गुस्सा, क्या था गुस्सा आता है ना गुस्सा दिलाना, हाँ गुस्सा दिलाने दिलाना होता है क्या। चलिए पुरलिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि नीरस का संधिवित क्या होगा, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर चलिए ऑप्शन नंबर बी नीज और रस बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप से रूप देने में किन का जो स्मरणीय योगदान है, देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जगह मोपान सा, क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए संसार शब्द कौन संज्ञा है, संसार शब्द जो है आपका क्या होगा, ध्यान देंगे 38 नंबर क्वेश्चन का डिफरेंस चाहिए व्यक्तिवाचक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है काफी इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अंतोन जो है चेखव जो की कहानी जो है क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कलर की मौत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि गीदर जो भभकी देना मुहावरे का अर्थ बताना आपको, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना आप लोग को क्या होगा, इसका झूठा दर्द दिखाना, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्या का संधिवित क्या होगा, सॉरी विद्यालय का संधिवित क्या होगा, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन बी विद्या जो आलय बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ बताना आप लोग को, 42 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत क्रोधित होना, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। कहेंगे सूरदास सॉरी सूर सागर के कवि है, सूर सागर कवि है, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग, क्या होगा
सूरदास होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 क्वेश्चन, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का वैद्य का विलोम क्या होगा, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अवैध, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा अवैध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि नयन का संधि पहचान आपको, नयन का संधि उचित। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन में यहां पे नेज और अन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार पहचान आपको, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा बालकृष्ण भट्ट, क्या होगा ऑप्शन यहां पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना, आनंदित में कौन सा पढ़ती है, 49 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। आनंदित में पढ़ती जो होगा कब का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, इत बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए कह रहा है कि अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ आपको, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मूर्ख होना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको यहां हो जाएगा जर्मनी के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, ध्यान देंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्डिंग नर्सिंग होम। चलिए क्वेश्चन सॉरी विलिंगडन नर्सिंग होम। क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञान उर्वशी होना चाहिए, ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा बी हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, क्या बोलते हम लोग, हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सी रचना आगे की नहीं है यहाँ पे, तो आगे की रचना कौन सी नहीं है, 55 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा क्या कहते हैं भाग्रदूत, ऑप्शन बी हो जाएगा चूंकि आगे की रचना नहीं है। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सॉरी भाग्रदूत तो है ये आपका त्रिश नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा त्रिश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको भगत सिंह का नवरात्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। तीन कठिया प्रथा जो का संबंध किससे है, नील किस खेती से, सबको हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बिश्नोई की पड़ोसनी कौन थी, चलिए 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंती, क्या होगा 58 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चलिए 59 का ये कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर को यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज राशो की भाषा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को जूठन क्या है, तो जूठन आत्मकथा सबको पता है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि मलयज का मूल नाम था, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा, 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी भरत जी श्रीवास्तव। चलिए आगे क्वेश्चन कर आपको क्या कर रहा है, देखिए कि त्रिश पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसी होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मानसिक सदमे और अधिक जो रक्तस्राव से। कहकर द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कीर्ति है, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 63 का सी हो जाएगा बी नहीं होगा, जय कृष्ण मूर्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, 64 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अवधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 का कि बल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद गाते थे, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा दैन्य, क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी विनय पत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं आपको 67 कि कहानी का जो अर्थ क्या होता है, 67 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग क्या होगा इसको आ रहा है ऑप्शन में यहां पे डी होगा विश्वास और प्रतीति। ठीक है प्रतीति ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम बताना आपको, 68 का आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे ऑप्शन बी होगा साहू, क्या होगा साहू जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करके प्रसाद जी के पिता का नाम बताना आपको, 69 का आंसर हो जाएगा आप लोग क्या 69 का आपका ऑप्शन बी जो है देवी प्रसाद साहू, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 70 क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा 16 अगस्त, कब हुआ था 16 अगस्त 1904 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन देंगे करा कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, 71 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत इतिहास और संस्कृति, चूंकि शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को
कि कौन सी कृति जो है रचना जो है मुक्तिबोध की है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांद का मुटेरा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो सरोज हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि महेश का संधि से प्रजनन होगा 74 का आंसर होगा आप लोगों का महाज, और इस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, दिग्गज हो जाएगा आपका किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देख कह रहा है कि परंपरात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है, तो सॉरी परंपरात्मा नहीं, परमात्मा जो किस संधि का उदाहरण है, 76 का नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन में आपको डी होगा दीर्घ संधि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ ग्रह जो शब्द किस समास का उदाहरण है, 77 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा, यानी द्विगु समास का होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन करके अधिकरण तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, तो ध्यान देंगे 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का दूसरा पद का प्रधान होता है, क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि चतुरातन, चतुरातन में शब्द किस समास का उदाहरण है, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर चैनल पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्व शून्य शब्द में समास पर चैनल को, इस क्वेश्चन ऑप्शन में यहाँ पे भी जो करण तत्पुरुष हो जाएगा, क्यों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग, कह रहा है कि अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का क्या होगा प्रतिकूल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए कि श्री गणेश का विलोम होगा 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन में सी इति श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को कि अमृत, अमूर्त का विलोम होगा 83 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मूर्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का विलोम क्या होगा, तो मानव का विलोम दानव सबको बताना चाहिए, ऑप्शन बी इसको करेक्ट होगा। 85 का निम्नलिखित में कृत्य प्रत्यय प्रत्यय होगा, ध्यान देंगे 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा बचत, क्या होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 86 कह रहा है कि इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, 86 का आंसर करना आपको यहाँ पे हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि अनु हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हमको, निम्नलिखित में से स्त्री जो है प्रत्यय होगा, स्त्री जो प्रत्यय होगा यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन का पहचान आप लोग क्या होगा, 87 आपका जो होगा याचिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, ध्यान देंगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पीद दान, जो कि प्रत्यय से बना है ठीक है, पीक दान ठीक है, दान जो कि प्रत्यय से लगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वरिद का पर्यायवाची होगा, चलो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि पति का पर्यायवाची होगा, तो पति का पर्यायवाची बता रहा आपको 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भरवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी मतलब पर्यायवाची नहीं होगा ये ठीक है, नहीं देखना है भरवा जो कि नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं कि अमीय का पर्यायवाची होगा, 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो लगभग ऑप्शन में भी सुधा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सुधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको उरन छू होना मुहावरे का अर्थ होगा, 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन में बी संकट से देखकर भागना। चलिए कह रहा है कि कन्नी काटना इसका अर्थ बताना होगा, 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दूर रहना जो है काम काज में कोरा होना ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को मुहावरे का अर्थ होगा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन का कुछ समझ नहीं आ रहा, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, काम ना जानना मुहावरे, तो सॉरी शायद मुहावरा इसका छूट गया कुछ, चलिए इसको स्किप करते हैं। कह रहा है कि आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, 95 का आंसर था ना आपको, 95 का ऑप्शन में यहाँ पे सी जगह पे क्योंकि ऑप्शन बी तंदुरुस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को कि अतनु का पर्यायवाची है, अतनु का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लिया यहाँ पे क्या है, अतनु का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जगह बसंत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 90 में करके अनिल का पर्यायवाची, अनिल का क्या होता है, अनिल का पर्यायवाची बताना आपको पर्यायवाची है, तो 97 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पवन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नीर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि गमन क्या कहते हैं, गमन शब्द को विपरीत अर्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का उपयोग करेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे 99 का आपको जगह
आगमन होता है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 100 क्वेश्चन का संकल्प में कौन सा ऑप्शन है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी होगा सम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस आप लोग को चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरे 100 का 100 बना के आना, तो 100 का पूरा रिविजन करेंगे, सभी के साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करना है, और आप हमको आपको बहुत ही बड़ी खुशी होता है, सभी सब्जेक्ट का सबसे पहले आप लोग को वायरल मतलब सेट चाहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को वायरल सेट बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो कैसे मिलेंगे आपको, सबसे पहले गूगल पे आना, एकदम वेट करना, इंटर करना, ध्यान से देखना आप लोग गूगल में क्या सर्च करना। ठीक है, मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूं। ठीक है, गूगल पे आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है ध्यान देंगे, एंटर ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन 2022। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यही इसी तरह सेम टू सेम लिखना। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, एंटर ऑल सब्जेक्ट्स वायरल क्वेश्चन 2022, इसको लिख करके आप लोग सिंपली सर्च कर लेना। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने जो ये चीज देखना है कि ये इस तरह का बोर्ड परीक्षा का वेबसाइट आया कि नहीं है। ठीक है, देखिए पे अभी 8 घंटा पहले ये डाला गया, www.boardparikha.com रहेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड 12th वायरल क्वेश्चन 2022 इंटर ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन आउट बिहार बोर्ड। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करें, सिंपली आप लोग को इसमें क्लिक करना है, ध्यान से देखेंगे ये लोगों होना चाहिए और www.boardparikha लिखना चाहिए, वहीं पर क्लिक करें तभी आपको मिलने वाला। ठीक है, जैसे आप लोग इसमें क्लिक करेंगे, हो सकता है नेट आपका स्पीड हो खुल जाएगा, अगर नेट स्पीड नहीं है, स्लो है, तो थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। ठीक है, जैसे आपका खुल जाएगा इस तरह, तो आपको नीचे में आना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक काम करना है, जैसे आप खुल लेंगे तो यहां पे दिखा ऊपर में, सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड के लिए यहां क्लिक करें। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को नीचे में पीडीएफ डाउनलोड के लिए यहां पे उंगली का निशान दिया हुआ है, और यहां पे आप लोग एक बार क्लिक कर लेना। ठीक है, चाहे आप जो भी वहां पे दिखाएगा आपको एक बार क्लिक करके फिर पीछे आ जाना, फिलहाल आपको पीछे आने के बाद क्लिक जरूर करना वहां पे। ठीक है, और नीचे आना, और नीचे देखिए 1 से 14 फरवरी तक सभी वायरल प्रश्न है। ठीक है, नीचे आएंगे और नीचे में आप लोग को यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, नीचे आएंगे देखो दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी बिहार बोर्ड हिंदी वायरल पेपर ऑल सेट, यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 10 सेट, फिर उसी तरह दिया हुआ है इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उर्दू का दिया हुआ है, ऑल सब्जेक्ट का दिया हुआ है, बस आप लोग आइए और पूरी तरह से यहाँ पे सारा वायरल पेपर को आप लोग आसानी से डाउनलोड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही तक वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अधिक से अधिक। ठीक है, यही तक वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।